हेलो स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग लेसन टू, ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ ज्योग्राफी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 12. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angle of the sun's rays goes on decreasing towards the poles. As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the Northern Hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the Southern Hemisphere have moderate temperatures. These are therefore called temperate zones. Okay, here areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zones, means very cold. Okay, तो यहाँ बताया जा रहा है heat zone of the earth. अर्थ का हीट जोन. तो जब तो पूरे साल में सभी लैटिट्यूड्स में एक बार जो सन है वो बिल्कुल जस्ट ऊपर आता है, ओवरहेड, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के भी. तो उस समय वहां का जो एरिया होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो एरिया होता है, वहां पर बहुत ज्यादा हीट होती है ना, इसीलिए उसको फिर क्या कहा जाता है, टॉरिड जोन कहा जाता है. ओके, और ये जो सन है, सन पूरा टाइम ओवरहेड नहीं रहता, मतलब लैटिट्यूड्स में उन्हीं के ऊपर नहीं रहता है सन पूरा टाइम, है ना. मैंने बताया कि साल में एक बार जो है सन लैटिट्यूड्स के ऊपर, जस्ट ऊपर आता है, जिसकी वजह से वहां हीट सबसे ज्यादा होती है. ठीक है, वो हमेशा वहां पर हमेशा ऊपर की तरफ नहीं रहता है. उसके बाद क्या होता है कि जो सन की जो रेज होती है, जब डायरेक्शन वहां का चेंज होता है, तो जो सन की रेज होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़ी थोड़ी कम होती हैं, है ना. और पोल्स की तरफ, जो पोल्स जो होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स जो होते हैं, वहां पर तो बहुत कम पड़ता है, जो सन की जो रेज होती हैं वो बहुत कम जाती हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर तो यहाँ, क्योंकि हेड है यहाँ पर, तो होगा ही ज्यादा हीट. और दूर, जितना दूर होता जाएगा, जैसे नॉर्थ पोल दूर है, साउथ पोल भी दूर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, तो इसलिए वहाँ हीट जो है वो कम होती है. ठीक है, डिक्रीज होती चलती है सन का जो रेज होता है ना. वही चीज यहाँ बता रहा है कि नॉर्थ पोल पर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और आगे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, आर्कटिक सर्कल मिलेगा नॉर्थन हेमिस्फीयर में. और उसी तरह अगर आप साउथ की साइड आते हैं, तो साउथ की साइड क्या है, देखें बताते हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और आगे जाके आर्कटिक सर्कल. तो यहाँ पर जो है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर सन की रेस ज्यादा होंगी. ठीक है, पर जैसे जैसे सन की रेस यहाँ, मतलब यहाँ कम होती जाती है, आर्कटिक सर्कल नॉर्थन हेमिस्फीयर में और साउथर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल पर सन की रेज जो है वो डिक्रीज होती जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा हीट नहीं होती है ना. तो इसीलिए इसे कौन सा जोन कहा जाता है, टेम्परेट जोन कहा जाता है. तो बीच वाले जो जोन है वो टॉरिड जोन, और जो लास्ट लास्ट वाले हैं आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, वो क्या कहलाएंगे आपके, टेम्परेट जोन कहलाएंगे. ठीक है, अब आर्कटिक सर्कल जो नॉर्थ पोल में है ना, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, और अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, जो साउथ पोल में है और साउथर्न हेमिस्फीयर में है, वो जो है उधर का जो आगे का एरिया है वो बहुत कोल्ड होता है. वो क्यों, क्योंकि सन की जो रेज है वहां पर बहुत कम पहुंचती हैं, है ना, इसीलिए एक स्लैंटिंग, मतलब बहुत कम वहां पर पहुंचती है, लेस हीट होती है, इसीलिए उसे फ्रीजिड जोन कहा जाता है. उसके आगे का जो एरिया होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, फ्रीजिड एरिया. यहाँ का देख सकते हैं आप, ये यहाँ तो कम पहुंची इसलिए ये टॉरिड जोन कहलाया. टॉरिड जोन के बाद यहाँ का जो एरिया है और ये यहाँ का जो एरिया है,
ये जो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए नॉर्थ टेम्परेचर जोन, ठीक है, ये टेम्परेचर जोन है यहाँ पर, और यहाँ ये जो है ये फ्रिजिड जोन कहलाता है, ठीक है, ये पोल में जो होता है वो फ्रिजिड जोन होता है। ओके, नाउ व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स क्या है? सो टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लेटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आईलैंड इन द पैसिफिक ओशियन एंड मॉरिशियस आईलैंड इन द इंडियन ओशियन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लेटिट्यूड, 20 डिग्री साउथ। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रेसिसली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ओके, तो यहाँ पर बता रहा है कि लॉन्गिट्यूड्स क्या है। तो एक प्लेस की फिक्स पोजीशन जानने के लिए यह बहुत जरूरी है या इसकी आवश्यकता है कि हम लेटिट्यूड का भी प्लेस देखें, है ना। वी नो समथिंग मोर देन द लेटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस, ठीक है। आपने एग्जांपल्स में देखा है, देख सकते हैं कि टोंगा आइलैंड, ठीक है, जो कि पैसिफिक ओशियन में है, एंड मॉरिशियस आइलैंड जो कि इंडियन, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि टोंगा आइलैंड पैसिफिक ओशियन में है और मॉरिशियस आइलैंड जो है वो इंडियन ओशियन में है, दोनों जो है कितने लेटिट्यूड पर है, 20 डिग्री साउथ पर है, ठीक है। अब इसमें अगर हम और देखें कि और चीजें देख सकते हैं कि ईस्ट की तरफ क्या है या वेस्ट की तरफ, ये जो प्लेसेस हैं वो ईस्ट की तरफ हैं या वेस्ट की तरफ है ना, ये सारी चीजें हम लॉन्गिट्यूड के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन होती है ना, लॉन्गिट्यूड जो होती हैं, ये जो लाइन होती हैं वो क्या कहलाती हैं आपकी, मेरिडियंस कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूड की मेरिडियंस। ओके, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लेटिट्यूड पढ़ा था। लेटिट्यूड कैसी होती है, ये देखिए, ये ऐसा सर्कल होता है लेटिट्यूड का, होता है, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टली एक प्रकार से कहा जाए। पर जो लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड कैसा होता है, वर्टिकली होता है। देखें आप यहाँ लॉन्गिट्यूड, ये ठीक है, लॉन्गिट्यूड में यहाँ देखें ये 0 डिग्री, 30, 60, 90, 120, 150, 180, ये है ना, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ नहीं दिखा रहा, नीचे की तरफ होगा साउथ पोल, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूड होते हैं, वर्टिकली लाइंस होती हैं, ठीक। और इन्हीं लाइंस को हम और क्या कहते हैं, मेरिडियंस कहते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। सो नेक्स्ट पेज वी विल डिस्कस टुमारो। ओके।